हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद टेस्ट। आज हम बनाएंगे दही के क्रीमी सैंडविच। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। आप भी इस स्टाइल से सैंडविच की रेसिपी को एक बार बना लेंगे तो बार बार ज़रूर बनाएंगे। इन सैंडविच को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, आइए इसकी लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम दही को छलनी में डालकर रख देंगे, जिससे कि दही का सारा पानी निकल जाएगा और दही हमारा गाढ़ा हो जाएगा। 1.5 से 2 घंटे के लिए दही को छलनी में डालकर रख दें। गाजर को कद्दूकस कर लेंगे, प्याज को बारीक काट लेंगे, शिमला मिर्च और हरी मिर्च को भी बारीक काट लेंगे, अदरक को कद्दूकस कर लेंगे। बाउल में गाढ़ा दही डालेंगे और अब हम इसमें पनीर को ग्रेट कर लेंगे। ये मैंने 150 ग्राम पनीर लिया है, आप पनीर की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे, आप रेड शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। कद्दूकस की हुई अदरक डाल देंगे, आप अदरक को बारीक काट भी सकते हैं। और हरी मिर्च डाल देंगे, हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। कद्दूकस की हुई गाजर डाल देंगे, अगर इनमें से कोई वेजिटेबल आपको पसंद नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें स्वीट कॉर्न भी ऐड किए जा सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, स्वादानुसार नमक डाल दें। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। मसालों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सचर हमारा रेडी है, अब हम सैंडविच बनाएंगे। ये मैंने ब्रेड की एक स्लाइस को ले लिया है। अब हम इस पे मटेरियल से कोटिंग करेंगे। ये देखिए, एक ब्रेड की स्लाइस पर मैंने मटेरियल लगा लिया है। अब हम दूसरी वाली स्लाइस से इसे कवर कर देंगे। अब हम इसके ऊपर बटर लगाएंगे। आप देसी घी या कुकिंग ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। बटर को फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दें। बटर हमारा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अब हम इसे सैंडविच मेकर में सेक लेंगे। जिस साइड से हमने बटर लगाया है उस साइड से हमें इसे नीचे रखना है और ऊपर वाली साइड पर अब हम बटर लगाएंगे। और सैंडविच मेकर को बंद कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे क्रिस्पी होने तक साइड चेंज करते हुए सेक लेंगे। अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो आप इसे तवे पर भी बना सकते हैं। तवे को गर्म होने के लिए रख दें। जब तवा हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इस पर सैंडविच लगाएंगे। जिस साइड से हमने बटर लगाया है उस साइड को हमने नीचे रखा है और नीचे से क्रिस्पी होने तक हम इसे सेक लेंगे। ऊपर वाली साइड पर भी बटर लगा देंगे और दोनों साइड से इसे क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। एक साइड से सिकने के बाद साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा हमारा सैंडविच सिककर रेडी हुआ है और दूसरी साइड से क्रिस्पी होने तक इसे सेक लेंगे। अब हम इसे भी चेक कर लेते हैं, यह सैंडविच भी हमारा सिक गया है। साइड चेंज करते हुए इसे भी क्रिस्पी होने तक सेक लें। सैंडविच हमारा सिक गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल कर गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसे हरे धनिए की चटनी, टमाटो सॉस, किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस स्टाइल से दही के सैंडविच आप भी जरूर बनाएं, चाय के साथ इंजॉय करें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं।
अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। आप हमारी ये रेसिपीज़ भी ट्राई कर सकते हैं।